मेरा नाम रवीश कुमार सिंह है, बैदपुर पंचायत में घर है, ग्राम मझगा, पोस्ट गुलनी कुसा, जिला बांका। सर आपके टैक्स में क्या चीज़ का परेशानी होता? कोल्ड स्टोरेज और राइस मिल, ये दो चीज़ का बहुत ही यहाँ ज़रूरत है, इसलिए कि मेरे प्रखंड स्तर में अभी एक भी राइस मिल नहीं है। तो हम यह चाहते हैं कि सरकार का यहाँ पर्याप्त ज़मीन है और राइस मिल यहाँ बैठे, कोल्ड स्टोरेज बने, जिससे किसान को परेशानी ना हो। 6668 कुंटल गेहूँ, 1200 कुंटल जी। नहीं, दो तीन लॉट चावल गिराने के लिए है, वो भी गिर जाएगा 10 तारीख। हम यही कहना चाहते हैं कि जितना मतलब सरकार ध्यान दे रही है उस हिसाब से अगर अफसर लोग काम करें तो कोल्ड स्टोरेज बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बन जाएगा। सरकार हर सुविधा दे रही है, अगर वही राइस मिल यहाँ हो जाए तो आज जो मिलर से हम लोग कुटवाते हैं अनाप शनाप भाड़ा लगता है, तो वो भाड़ा भी सरकार का बचेगा और डायरेक्ट यहाँ से चावल तैयार होके और जो है गोदाम तक जाएगा। तो यही सब बहुत अभी परेशानी है किसानों का, जैसे खाद का लाइसेंस मिल जाए तो लोग को पैक से दो पैसा कम में खाद मिलेगा, जिसका कि हम लोग अप्लाई किए हुए हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को लाइसेंस मिला नहीं, नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ हाँ, आप कहीं भी घूम के हमारे पंचायत में किसी किसान से मिल के जिएगा तो वो ज़रूर कहेंगे कि आज से पहले और इस हम नए पैक्स अध्यक्ष बने और मेरा पैक्स इस बार प्रखंड स्तर पे एक बढ़िया परचम पर है, जो खरीद हुई है इतना खरीद कभी मेरे पैक्स में नहीं हुआ था जी। नहीं, हाँ हाँ, ए टू जेड जिनको दो कुंटल है चार कुंटल है उनका भी जी। नहीं नहीं, हमारे यहाँ मजदूर लोग भी हैं, हमारे गांव में ज़्यादातर पंचायत में ज़्यादातर मजदूर लोग हैं तो बौली बटैया करते हैं, तो गैर रैयत के तहत भी हम धान लिए हैं यहाँ, अगर दो कुंटल भी लोग लेके आए हैं तो वो भी हम लिए हैं, या नहीं कि मोटे किसान का ही लिए। सरकार का इसे है कि 27 घंटा में पैसा चला जाएगा लेकिन 50 घंटा 60 घंटा लगता है, हाँ हाँ, धान देने के बाद। कोई परेशानी नहीं, नहीं नहीं, कोई परेशानी जी नहीं।